तो दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक रिजल्ट को लेकर जो भी छात्र बिहार बोर्ड से अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों, 10वीं का दिए थे, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आया हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट का जो तिथि है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तिथि जारी हो चुका है दोस्तों, कब आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट जारी करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे अपना रिजल्ट को। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी ले लीजिए दोस्तों, कब आखिर रिजल्ट जारी करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग सारा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी पल पल का न्यूज हम आप लोग को देते रहते हैं। इंटर का रिजल्ट सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को मिला था दोस्तों कि कब जारी होंगे, और मैट्रिक का भी। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक का भी सबसे पहले हम लोग बताएंगे कब आखिर किस तिथि को किस समय कैसे चेक होगा। पूरी जानकारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है दबाइए, दबाने के साथ ही बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दिया ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रूफ चलते हैं दोस्तों लेके, आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कि आखिर बिहार बोर्ड क्या न्यूज निकल कर आया है यहाँ पे, और रिजल्ट आप लोग का कब आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है 24 मार्च को, और बम्पर रिजल्ट आया था। जी हाँ दोस्तों, 80% से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए थे दोस्तों, और 4 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था। इसी तरह मैट्रिक वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और हर एक छात्र यहाँ पे लगभग लगभग 50% से ऊपर छात्रों को जो है फर्स्ट डिवीजन नंबर आने वाले, मतलब 60% जो भी छात्र कुछ भी लिखे होंगे थोड़ा सा भी, उसको फर्स्ट डिवीजन किया जाएगा दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट तिथि घोषित, 4 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं संवाददाता पटना, जी हाँ दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे 2020 का रिजल्ट जारी करने की तिथि जो है घोषित कर दी है। बिहार बोर्ड के अधिकारी की माने तो यहाँ पे दोस्तों 4 अप्रैल को रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 अप्रैल को कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ कॉपियों का आप लोग का मूल्यांकन यहाँ पे बचा हुआ है जो 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, 31 मार्च के बाद 1 से 2 दिनों में आप लोगों का यहाँ पे देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए यहाँ पर बोर्ड पूरा तरह से स्थगित कर दिया है यहाँ पर 31 मार्च तक। जैसे ही यहाँ पर 31 मार्च खत्म होगा, तो सब कुछ अगर ठीक रहता है तो 1 अप्रैल को बचे हुए कॉपियों का सारा मूल्यांकन कर लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर नहीं ठीक रहा तो ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल को बचे हुए कॉपियों का मूल्यांकन कार्य समाप्त किया जाएगा, तभी आप लोगों का यहाँ पे जो रिजल्ट का जो आएगा आप लोग को 4 अप्रैल को। ठीक है, शाम में कभी भी आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता है इंटर का 7:30 बजे जारी किया गया था दोस्तों रात में, उसी तरह यहाँ पर मैट्रिक का भी रात में जारी होगा। ठीक है, शाम 6 बजे के बाद ही, और टॉपर का फिजिकल वेरिफिकेशन और रिजल्ट तैयार करने में 2 से 3 दिन लगेगा। ठीक है, इसलिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 4 अप्रैल को रिजल्ट जो है घोषित किए जा सकते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर नहीं ठीक रहता है दोस्तों, लॉकडाउन अगर हो जाता है तो आप लोगों को रिजल्ट जो है थोड़ा और लेट हो जाएगा। ये 4 अप्रैल के जगह पर यहाँ पे 15 अप्रैल भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक जो भी खबर आ रही है, सबसे पहले मैंने आप लोग को ये सब बता दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दबाइए, दबाने के साथ छोटा सा घंटा आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यूज़ आप लोग को मिलता रहे दोस्तों। बिहार बोर्ड की ओर से यहाँ पे मैट्रिक इंटर छात्रों को सबसे पहले दिया जाता है न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है वेबसाइट का, जहाँ पर आप लोग रोल नंबर रोल कोड डाल के अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जाइए दोस्तों और अपना देख लीजिए वहाँ पर सारा डिटेल। ठीक है, कैसे आप लोग को चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए चैनल को।